नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी बाय एचके में आपका स्वागत है। आज हम लोग सौर मंडल से कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक से, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉपरनिकस ने की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केपलर ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। आगे है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। आकार के अनुसार सौर मंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम है 8। पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध एवं बुध। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निहारिका। निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं। अगला है, तारामंडल क्या है? तो तारामंडल आंसर बी हो जाएगा। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 89। क्वेश्चन नंबर 12, निक्स ओलंपिया, कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पर, डी। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शनि। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मंगल। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शुक्र और वरुण। क्वेश्चन नंबर 18, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है डी, अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है से संबंधित है थे न्यूटन, सॉरी कोपरनिकस। 20 का सी, कोपरनिकस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सूर्य। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है डी, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश मंडल।
सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी, इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 27। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शोर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उपसौर। निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी तथा सूर्य। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। क्वेश्चन नंबर 31। मध्य रात्रि सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काले धब्बे धब्बे के स्थान है जो, तो इसको ऊपर कर देते हैं सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। अगला है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो उसका आंसर हो जाएगा ए, 71%। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सूर्य। सूर्य एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 8.3 मिनट, 8 मिनट 3 सेकेंड। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बुध ग्रह। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 दिन। किस ग्रह में चंद्रमा की सतह कलाएं होती है? चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध ग्रह में। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बुध तथा शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बुध ग्रह। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? 43 ए, बुध ग्रह। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध का। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बुध का। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? ए, बुध। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना जितना बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। किस किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी शुक्र को। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, आगे और भी वीडियो आता रहेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।